अरे पेपर है साहब, उसके चार मीनार के ही पेपर आ रहे, उसके चार मीनार के ही पेपर आ रहे, उसके चार मीनार के ही पेपर आ रहे, गिरा में गिरा, गिरा में गिरा। अंदर सामान ठीक है, सामान निकाल नोटिस भी है, ये भी कुछ भी नहीं है। नोटिस दे दो, मैं देता नोटिस, दे दो मैं देता नोटिस, जो नोटिस दे हल्के असेंबली चारमीनार में आज बल्दिया की जानिब से सड़क की तोसी के नाम पर कई एक दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। इस कार्रवाई से अवाम में काफी गुस्सा देखने में आया है। मुकामी अवाम का कहना था कि इन्हें बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी मोहलत के इनके अमलाक को ढा दिया गया। कुछ मोहलत मिल जाती तो कम से कम सामान बाहिफाजत निकाल लेते, लेकिन मासूम अवाम को अपना सामान भी खो देना पड़ रहा है। बल्दिया की कार्रवाई से उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की जानिब से जरायम पेशा अफराद की जायदादों को ढाने का जो सिलसिला जारी है, इसकी तर्ज पर पुराने शहर की कार्रवाई नज़र आने लगी है। हालांकि ये लोग कई सालों से यहां अपने कारोबार कर रहे हैं, जाती मलगियाँ होने के बावजूद इन्हें जायदाद से महरूम होना पड़ा है। मुकामी लोगों ने बल्दिया की कार्रवाई पर रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद ख़ान को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली जाए वाक़े पर पहुँच गए। बजाय अवाम के हक़ में खड़े होने का रुकन असम्बली बल्दिया के अहदेदारों के हक़ में बात करने लगे। लोगों ने काफ़ी मिन्नतें की कि कुछ मोहलत दिलवा दीजिए, कम से कम सामान हटाने का मौका फराहम करें, लेकिन रुकन असम्बली ने बड़े ही गुस्से और गलत लहजे में अवाम पर बरहम हो गए और बल्दिया के अहदेदारों को अवाम की इमलाक कुचलने की हिदायत जारी कर दी और ख़ुद अपनी निगरानी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। पुराने शहर के अवाम को मुकामी जमात पर काफ़ी फ़ख्र हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुकामी जमात के अराकीन खुद अवामी इमलाक को मुनहदिम करवाने की कार्रवाई में मुलविस पाए जा रहे हैं। पिछले महीने में भी काला पत्थर, फलकनुमा, तेगलकुंटा, नवाब साहब कुंटे में मुकामी जमात के कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में कई एक अफराद की दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया, कई एक अफराद को बेरोज़गार करवा दिया गया। अवाम अब मुकामी जमात की बेहसी और अवाम के साथ ऐसा सलूक, खास कर गरीब अफराद के साथ ऐसा सलूक अवाम को बेबस कर दिया है। मुकामी जमात के ये सीनियर लीडर जो 6 मरतबा रुकन असम्बली रह चुके हैं और अवाम के साथ इनका ये रवैया दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। आप नाज़रीन कमेंट के ज़रिए इनके इस रवैये पर अपनी राय ज़रूर दर्ज कीजिएगा। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, siyasat.com। इफेक्ट हुई थी प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी पेमेंट दे चुके हैं, उसी लिए उस सिलसिले में रोड मेंडिंग में प्रॉपर्टी निकाल दी है। उसके अलावा भी जो इंक्रोचमेंट है रोड में, इंक्रोचमेंट है ऑलरेडी, वो इंक्रोचमेंट निकाल रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि किसी को नोटिस विदाउट परमिशन नहीं, ऑलरेडी उन लोगों को पेमेंट देके भी 10-15 साल पहले हुआ। प्रॉपर्टी को पेमेंट दिया गया, बताया जा रहा है कि लीगल प्रॉपर्टी है, जो लीगल प्रॉपर्टी अगर है इंक्रोचमेंट में है रोड में निकाल दे रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उनके पेमेंट के लिए तो मुआवजा दिया जाएगा। अगर रोड में उनके डॉक्यूमेंट अगर सही अगर है तो जरूर उनकी प्रॉपर्टी। कितने दिन पहले इन लोग को पेमेंट दिया गया था? वो लोग 2003 या 2002 में पेमेंट दिया गया है वो लोग, आज जब से भी पेमेंट दिए बाद में भी ऐसी है रखे हुए हैं।